बीती रोज चलती बोरिंग मशीन की रॉड टूटने से हुए हादसे में आज एक और बच्ची ने तोड़ा दम। बैराड़ थाना प्रभारी ने दी जानकारी। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के ऊंची खरई गांव में रविवार के शाम बोरवेल की मशीन से बोर खनन के दौरान रॉड टूटकर खनन देख रहे बच्चों पर गिर पड़ी थी। इस हादसे में एक 10 साल के मासूम की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चियों को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उपचार के दौरान एक बच्ची ने भी दम तोड़ दिया था। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऊंची खराई गांव के रहने वाले श्रीपद भगेल ने अपनी जमीन में बोरवेल का खनन बोरवेल की मशीन के A51MN3259 से करा रहे थे, जिसे देखने गांव के कई बच्चे पहुंचे हुए थे। इसी दौरान बोरवेल की मशीन की रॉड टूटकर बोरवेल की खनन देख रहे बच्चों पर जा गिरी। इस हादसे में रॉड की चपेट में आए 10 साल सत्येंद्र जाटव पुत्र राय सिंह जाटव की मौके पर मौत हो गई थी। इसके अतिरिक्त रॉड की चपेट में 2 सगी बहनें अनीता जाटव 12 वर्षीय, साक्षी जाटव 8 वर्षीय भी आ गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 12 साल की अनीता जाटव पुत्री कोक सिंह जाटव ने दम तोड़ दिया। बैराड़ थाना पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ 304A, 336, 337 की धाराओं में मामला पंजीकृत किया है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो बोर मशीन से जो रॉड टूट के गिरी है, तो मौका पता तो एक बच्चे की मौत हुई और आज एक और बच्चे की मौत हो गई, उस विषय में आप क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? कल दिनांक को ऊंची खराई पे बघेल किसी बघेल के यहाँ बोरिंग बोरी थी पानी के लिए, इसमें बोरिंग करते समय अचानक उसकी रॉड निकल कर गिर पड़ी, तो वहाँ खड़े बच्चे को चोट लग गई और 2 बच्चे उसमें चपेट में आ गई थी। इसमें बच्चे की मौत हो गई थी और एक बच्चे की आज हॉस्पिटल ले जाते हुए इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें प्रकरण बोरिंग मशीन के ऑपरेटर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, अभी जाँच जारी है। धन्यवाद।